सो फ्रेंड्स, अनदर वे इन विच आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं और अपने टाइम को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू से नो. सेइंग नो इज़ अ आर्ट और ये आर्ट को हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये रियलाइज़ करना इम्पॉर्टेंट है कि कई बार हम हर एक काम अपने खुद नहीं कर सकते हैं, हमें हेल्प की ज़रूरत होती है. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू से नो टू पीपल, क्योंकि जब आप दूसरों को नो बोलेंगे तभी आप खुद को येस बोलेंगे और अपने टास्क को येस बोलेंगे, जो आपको अपनी गोल की तरफ लेके जाता है, अपने करियर को एडवांस करने में हेल्प करता है. सो प्लीज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अंडरस्टैंड, I realize that I cannot do everything. ये realization होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप दूसरों को no बोल पाएंगे. Another way of saying no is to say कि आप वो task या वो project नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आपके पास time नहीं है. कई बार लोग आके हमें कुछ ना कुछ task दे देते हैं या उनको help करने की को बोलते हैं और हमारे पास एक्चुअली में टाइम नहीं है, बिकॉज हमारे पास अपना ही खुद का इतना सारा काम है, इतने सारे चीज़ें हैं जो हमारे सर पर है. बट अगर हम उनको हाँ बोलते हैं तो हमारे लिए स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है. एंड दिस इज़ वाई यू शुड रियलाइज दैट यू आर बिजी, यू डोंट हैव टाइम एंड से नो टू देम बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीज़न. अनदर वे इज़ दैट आपको वो चीज़ों को ना बोलना पड़ेगा जो आपके गोल्स या आपके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आपको लेके नहीं जा रहे हैं, उन चीज़ों को ना बोलिए. अगर आपसे कोई कुछ बोलता है करने को एंड अगर आपको लगता है वो आपको आपके गोल की तरफ नहीं लेके जा रहा है, इट इज़ नॉट टेकिंग यू वन स्टेप क्लोजर टू योर ऑब्जेक्टिव एंड फाइनल गोल या ड्रीम, तो उन लोगों को ना बोलना ज़रूरी है, उन टास्क को ना बोलना बहुत ज़रूरी है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ना कैसे बोलना चाहिए, हाउ शुड यू से नो, क्योंकि बहुत लोग घबराते हैं, बहुत लोगों को डर लगता है कि सामने वाले को नो कैसे बोले. हमें ये नहीं लगना, हमें प्रॉब्ली ये लगता है कि उनको ख़राब लगेगा एंड दे विल नॉट लाइक अस एंड हमारी रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगी, इसके कारण वो नो बोलने से थोड़ा डरते हैं, कतराते हैं. बट माई डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वे है अगर आपको अपना टाइम को मैनेज करना है तो ना तो बोलना सीखना ही होगा. सो आई वॉन्ट यू टू पॉज द स्क्रीन ओवर हियर एंड राइट डाउन, आइडेंटिफाई दो लोग ऐसे हैं जो आपके लाइफ में जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए बोलते हैं, जो कि उनका फ़ायदा कराता है, जो उनके लिए बेनिफिटिंग है. ऐसे दो लोग क्या है, कौन है, उनका नाम लिख लीजिए. Now that you have written down the names, please try to find out आप उनको ना कैसे बोलेंगे. How will you say no to those two people जिनका नाम आपने लिखा है? What are the three ways in which you can say no to them? Please write that down right now. So friends, let us now understand कि ना बोलने का तरीका क्या है ताकि सामने वाले को ख़राब ना लगे और हमारा काम हो जाए. तो नंबर वन इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, यू आर नॉट सेइंग नो टू द पर्सन, यू आर सेइंग नो टू द टास्क. हमारे माइंड में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि हम उस पर्सन को नो बोल रहे हैं जिन्होंने हमें वो काम के लिए पूछा है. नहीं, आप नो बोल रहे हैं टास्क के लिए, नॉट टू दैट पर्सन. सो प्लीज़ डोंट फील गिल्टी, ऐसा अपने मन में गिल्ट फीलिंग नहीं होना चाहिए कि मैंने उनको ना बोल दिया. आपने उनको ना नहीं बोला, आपने वो काम करने से ना किया है. सो प्लीज़ डू नॉट फील गिल्टी अबाउट इट. अनदर वे इन विच यू कैन से नो इज जस्ट से इट. इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना कॉन्टम्पलेट करने की और ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है. ना बोलना है, गो अहेड एंड से इट. डोंट बीट राउंड द बुश, कहानियाँ मत बनाइए, ऐसा होगा वैसा होगा क्या करना है. नहीं, सोचा है ना बोलने के लिए तो जस्ट डू इट, राइट. द नेक्स्ट थिंग यू शुड डू इज बी असर्टिव, बी फर्म, बट बी पोलाइट एंड कर्टियस. मतलब ये कि ना बोलना, उनको आपको लगेगा कि शायद ना बोलने के लिए थोड़ा रूड होना पड़ेगा. नहीं, आपको सिर्फ असर्टिव होना पड़ेगा. इसका मतलब है यू हैव टू फर्मली, बहुत ही पोलाइट वे में, मैनर्स के साथ, कर्टेसी के साथ, पोलाइटली आपको ना बोलना है. बट यू शुड नॉट बी पैसिव एंड यू शुड नॉट बी अग्रेसिव. आपको बहुत असर्टिव, मतलब फर्म एंड पोलाइट वे में ना बोलना है. अनदर वे इज़,
आपको ना थोड़ा टैक्टफुल होके डिप्लोमेटिक होके बोलना होगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही मीठी मीठी बातें करके शुगर कोट करके आपसे काम निकलवा लेंगे एंड यू विल बी वंडरिंग मैंने क्यों नहीं नाम इनको ना नहीं बोला। सो उनके साथ आपको थोड़ा फर्म होना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक होना होगा, बट इन द एंड आपको मालूम है कि आपको उनको ना बोलना है, तो थोड़ा सा डिप्लोमेसी रखना पड़ेगा, राइट। अनदर वे इज आपको अगर उनको ना नहीं बोलना है तो उनको एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दे दीजिए। देखिए, लोगों का काम होता है आपसे काम निकलवाना, बट अल्टीमेटली अगर आपको लगता है कि वो काम के का आप कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो प्लीज़ वो करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको आपके दोस्त आके आपको बोलते हैं कि प्लीज़ कैन यू टेक माई डॉग आउट फॉर अ वॉक, क्योंकि आज जो डॉग कीपर है वो आया नहीं है, तो क्या आप मेरे डॉग को सैर कराने लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं उनको कि आई एम सॉरी, मेरे पास थोड़ा टाइम का कमी है बिकॉज मेरा एक एग्ज़ाम है कल एंड आई हैव टू स्टडी फॉर दैट पर्टिकुलर एग्ज़ाम, क्या मैं आपको एक डॉग कीपर का नंबर दे सकता हूँ एंड दैट पर्सन यू कैन कॉल हिम एंड दे कैन कम एंड आपके डॉग को वो एक घंटा जो सैर कराना है वो करा सकते हैं। सी नाउ व्हाट यू हैव डन, यू हैव नॉट सेड नो, बट आपने उनको एक ऑल्टरनेटिव दे दिया है एंड दैट इज़ वॉट उनको वो ऑप्शन लेना है या ना वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपने उनको एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन दे दिया है। रिमेंबर फ्रेंड्स, लोगों का सोचने का तरीका ये है कि उनके हिसाब से काम होना चाहिए, चाहे वो आप करें या कोई और, बट काम होने से मतलब है। सो ये एक ऑल्टरनेटिव है जो आप दे सकते हैं। नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड वन वे टू से नो इज यू हैव टू बी अ लिटिल सेल्फिश, थोड़ा आपको अपने खुद के बारे में सोचना होगा। हमेशा दूसरों के बारे में सोचेंगे तो शायद आप अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाएंगे या जो आपने गोल सेट किया है वो नहीं अचीव कर पाएंगे। सो इट इज़ ओके टू बी सेल्फिश, नॉट अ प्रॉब्लम, बट बैलेंस करके चलिए। पूरी तरह से सेल्फिश मत होइए, पूरी तरह से सेल्फलेस भी नहीं होइए। फाइंड द मिडिल ग्राउंड एंड फाइट द राइट बैलेंस फॉर योर सेल्फ। सो दीज आर द रीजंस हाउ यू कैन ways in which you can say no to other people. Now, these things that we have understood on saying no, that will help you to manage your time very, very properly in an effective and efficient manner. And you will have more time to give to those tasks which are important to you.